आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि मान्य बोहर कक्षा के लिए परिधि क्या होगी। पहला है विकल्प है एन लैम्डा, दूसरा विकल्प है एन माइनस वन लैम्डा, तीसरा विकल्प है एन लैम्डा से बड़ा और चौथा विकल्प है एन लैम्डा से छोटा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का अर्थ समझना पड़ेगा कि मान्य बोहर कक्षा क्या होती है। तो बोहर के परमाणवीय मॉडल में बोहर ने मान्य बोहर कक्षा को परिभाषित किया है। तो जो आपकी मान्य बोहर कक्षा होती है वो वाली कक्षा होती है, मान्य बोहर कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन साधारण अवस्था में रहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो मूल अवस्था में रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उस ऊर्जा अवस्था में, उस मान्य बोहर कक्षा में रहते हुए ना तो किसी प्रकार की ऊर्जा का स्वयं से अवशोषण करता है ना ही उत्सर्जन करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मान्य बोहर कक्षा वो है जिनमें इलेक्ट्रॉन साधारणतया पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हुए ना तो किसी प्रकार का ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही किसी प्रकार का अवशोषण करता है। तो उत्सर्जन भी नहीं करेगा अपने आप से और ना ही किसी प्रकार का अवशोषण करेगा। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप इसको ऊर्जा दे दें अपनी तरफ से बाहर से तो वो जो है ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाएगा, ये बात तो बनती है, लेकिन स्वयं से किसी प्रकार का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करेगा। ऐसी कक्षाओं को हम मान्य बोहर कक्षा कहते हैं, यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन साधारणतया पाए जाते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि मान्य बोहर कक्षा कौन सी है? तो बोहर ने अपने मॉडल में यह भी परिभाषित किया है कि मान्य बोहर कक्षा वो है जहां पर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h बट्टे 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, h बट्टे 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो क्या है कोणीय संवेग? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है mvr, और h बट्टे 2 पाई तो हमने लिखा, और पूर्ण गुणज के लिए यहाँ पे पूर्णांक n दिखा देते हैं, यानी कि जो mvr है, जो कोणीय संवेग है, वो h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणक होगा। अब n क्या है? n एक पूर्णांक है, याद रखिएगा n एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब होता है n का मान 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 वगैरह वगैरह इस तरीके से हो सकता है। h जो है यहाँ पर प्लैंक नियतांक है, और जो m है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और v जो है वो कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग है, और r जो है वो बोहर कक्षा की त्रिज्या है, जो बोहर कक्षा है उसकी त्रिज्या है। ठीक, अब ये कहता है कि जो mvr है, जो कोणीय संवेग है, वो h बट्टे 2 पाई का या तो 1 गुना होगा या 2 गुना होगा या 3 गुना होगा या 4 गुना होगा, इस तरीके से पूर्ण गुणज होता है। अब हम अपने इस प्रश्न को हल करने के लिए इस सूत्र का सहारा ले सकते हैं, और इस सूत्र से हम अपने प्रश्न का हल देख सकते हैं। कैसे? तो जरा देखिएगा, mvr जो होता है हमें दे रखा है, mvr जो है वो nh बट्टे 2 पाई हुआ। अब आप इस 2 पाई को बाईं तरफ ले जा लीजिए और mv को दाईं तरफ ले जा लीजिए, तो 2 पाई ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r बराबर nh बट्टे mv। अब 2 पाई r जो है वो हो गई हमारी वृत्त की परिधि। आप जानते हो कि ये मान लीजिए कि ये कक्षा है, वृत्तीय कक्षा है, और इसकी त्रिज्या r है, तो किसी वृत्त की परिधि जो दिखाई जाती है वो हम दिखाते हैं 2 पाई r से, 2 पाई r से। तो ये जो 2 पाई r है वो इस वृत्तीय कक्षा की परिधि हो गई, तो यहाँ से हमारा बन गया परिधि। और जहां पर ये जो h अपॉन mv है, अगर हम h अपॉन mv को ध्यान से देखें तो ये हमारी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है, तो h अपॉन mv की जगह डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हम लैम्डा लिख सकते हैं। जरा समझिए कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती क्या है। डी ब्रोगली कहता है कि कोई भी जो कण है वो दो तरीके से अपनी द्वैती प्रकृति रखता है, दो तरीके से व्यवहार करता है, या तो वो कण जो है एक कण की तरह व्यवहार करेगा, या फिर वो कण जो है वो एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो जैसे हर कण करता है वैसे इलेक्ट्रॉन भी है, वो इलेक्ट्रॉन जो है या तो आपको
एक कण की तरह व्यवहार करेगा या फिर वो तरंग की तरह व्यवहार करेगा। तो यदि वो तरंग की तरह व्यवहार करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन का अपनी एक तरंग दैर्ध्य भी होगी। तो इसी तरंग दैर्ध्य लैम्डा को हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं। डी ब्रोगली ने बताया था कि ये जो लैम्डा होती है वो एच अपॉन एम वी के बराबर होती है, जहां पर एच जो है वो प्लांक नियतांक है और एम जो है वो उस कण का द्रव्यमान है और वी वो उस कण का वेग है जिस वेग से वो यहां पर भाग रहा है। अब इस वजह से मैंने यहां पर एच अपॉन एम वी की जगह उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य रख दी। तो यहां पर हमारा अंत में जो आर निकल के आया वो बराबर आया कि जो परिधि होती है वो एन लैम्डा के बराबर होती है। तो इस आधार पर जो हमारा सही उत्तर निकल के आता है वो आता है विकल्प नंबर एक। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है हमारा विकल्प नंबर एक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।